हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि देखिए, जो न्यूज़ चल रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, बहुत जल्दी ये क्या हो रही, वायरल हो रही है। और देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को, देखिए कि इस भ्रम में ना पड़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं फिर आप बात करेंगे। देखिए, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि एग्ज़ाम क्या होंगे, ऑनलाइन हो गए होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट भी डालेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, और उसके बाद क्या है, देखिए बीटेक, ठीक है, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, इनके भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। ठीक है, और देखिए पॉलीटेक्निक की 20 जनवरी से होने वाली है, कुछ दिन आगे हो सकता है, मतलब एक्सपेंड भी किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को। ठीक है, एक्सपेंड भी किया जा सकता है, ये बता रहा है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए बीटेक, ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी ऑनलाइन होंगे, जो 20 फरवरी से होंगे। ठीक है, 20 फरवरी से, और सभी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। ये तो ठीक है, आपका सभी क्लासेस जो हैं ये आपका इफेक्टिव है। ठीक है, कि सभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, ये तो आपका इफेक्टिव है। बट देखिए 20 जनवरी से कह रहा है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉलीटेक्निक का और जो बीटेक वाले हैं वो भी ध्यान से सुने कि बीटेक की भी कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उनका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको देखिए इस भ्रम में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर क्योंकि देखिए बहुत सी जो देखिए वैसे क्योंकि केसेस जो है ना ये बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए लेकिन आप लोगों को इस भ्रम में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट हैं जो जिनकी जो स्टडी है, ठीक है, वो मतलब तैयारी है वो अच्छे से चल रही है, उनकी मेहनत ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, या ऑफलाइन होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, ये आप लोग बताइए। ठीक है, जिससे मतलब मुझे भी पता चल सके कि कितना ज़्यादा मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखिए इस भ्रम में ना पड़िए, आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको मुकाम दीजिए। ठीक है, आप अपनी कॉन्टिन्यूस स्टडी करते रहिए जब तक पेपर नहीं आ जाता है, जब तक कोई भी BTUP के द्वारा कोई भी न्यूज़ ना आ जाए। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ और बता दें आप लोग को, ये भी क्या है, पॉलीटेक्निक के द्वारा ही भेजा गया है शायद, क्योंकि देखिए मेरे पास जो ये न्यूज़ आई है ये, इसमें देखिए एक स्टूडेंट था उसने मुझे भेजा है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीटेक्निक से ही, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, ये इफेक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट भी डालेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, तो उससे मुझे भी आप थोड़ा इफेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ध्यान में ना रखें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।